सावित्री किस गांव की रहने वाली हैं आप जी? बुड़नतवापुर। ये भड़सर ग्राम सभा का टोला है। क्या मामला हुआ था सावित्री, किन लोगों ने तुम्हें मारा था पीटा था? हम पानी चला था खेत में। हाँ, गए नहीं, जिसने कहा लो ये ताला बंद करके चल गए नहीं, तो हम चल गए नहीं। बोलो तो क्यों नहीं बोलो? तुम्हारी लड़कियों से झगड़ा वड़ा मारपीट हुई थी? के बीच में घेर लिया लोग। अच्छा, घेर के कपड़ा पत्थर। ये कौन कौन लोग थे? सीचा बहन है, छोटू बहन है, गणेश रहा। तुम्हारी एफ आई आर तुमने दरखास्त दी थी? उनके औरत रही, लड़कियों का कपड़ा फाड़ा गया। हाँ, लड़की कपड़ा। तुम्हारे पति का सर भी मार के फोड़ दिए थे सब? हाँ, मार के फोड़ दिया, ले गए बस रोकना बस। और सुनने में आ रहा है कि आए दिन जो है रास्ता रोकते हैं। रास्ता रोकते हैं लगातार, मतलब मारपीट करने के लिए आमादा हैं। तुम्हारी पुलिस एसपी साहब यहाँ बैठे थे, थाना समाधान दिवस है जैसा कि हम सभी देख सकते हैं। क्या हुआ है, एसपी साहब के पास गई हो तो क्या कहें एसपी साहब? अच्छा, जाँच करने के लिए कहें कि कार्रवाई होगी? अच्छा अच्छा, तो आप क्या चाहती हो पुलिस से? ये जैसा कि देख सकते हैं एसपी साहब की ये काफिला जा रहा है। अच्छा, आपका मुकदमा पंजीकृत हो जाए। ठीक, गंदा गंदा गाड़ी मत दे, तुम्हें न्याय मिले। बार बार बहुत गंदे गंदे गाली देते हैं और परेशान करते हैं सबको, हम लोग को पूरा परिवार को परेशान कर रहे हैं। घेर रास्ता भी घेरते हैं? हाँ, रास्ता भी घेरते हैं, बार बार जाने आने नहीं देते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है? कोई कार्रवाई, आए रहे फिर चले जा रहे हैं, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अभी कोई कार्रवाई? अच्छा, गांव समाज के लोगों का क्या हाल है, क्या वो विरोध नहीं करते हैं कि महिलाओं को गाली क्यों देते हो? नहीं, वो लोग नहीं रोकने आते हैं, ना देखने आते हैं। और ये कौन कौन है? कौन कौन है? सीचन यादव और उनके बच्चे? हाँ जी। क्या चाहती हो अंजलि आप? हम यही चाहते हैं कि वो हम लोग को गाली वाली ना दे, मार पिटाई ना करे, जान से मारने को इनके मारे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। हाँ, इनके मारे धमकी दे रहे हैं, हमारे मोबाइल में ननद और ननदोई को मारने को जान से धमकी, असली वीडियो भेजते हैं, असली इशारा करते हैं, यही बात है। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब का? नरसिंह यादव। नरसिंह जी, क्या मामला है?